शांति। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। बहुत श्रद्धापूर्वक आराधना के साथ, भक्ति के साथ, उमंग उत्साह के साथ उस अष्टभुजाधारी माँ की, उस अष्टभुजाधारी शक्ति की हम सभी पूजा आदि कर रहे हैं। जैसे कल हमने देखा, कल हमने सुना कि इस अष्टभुजाधारी शक्ति के अंदर ऐसी कौन सी आध्यात्मिकता वाले ज्ञान समाया हुआ है। अलग अलग शक्तियों का हम वर्णन कर रहे हैं। जैसे कल हमने सुना कि सहन करने की शक्ति, जिसके आधार से माँ जगदम्बा की पूजा पूरे भारतवर्ष में हो रही है, वैसे ही आज विशेष करके हम और एक शक्ति के बारे में जानेंगे, पावर टू एक्सेप्ट और पावर टू एकोमोडेट, जिसको हम कह सकते हैं स्वीकार करने की शक्ति। मानव जीवन अपने जीवन में सफलता अगर पाना चाहता है तो उसे इस स्वीकार करने की शक्ति को अपने अंदर बढ़ाना ही पड़ेगा। स्वीकार करने की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे हमने सुना कि सहन करने की शक्ति भी अपने में एक बहुत बड़ी शक्ति है। कमज़ोर आत्मा कभी भी सहन नहीं कर सकती है, और दृढ़ पूर्वक रहने वाली आत्मा, दृढ़ता से संपन्न में रहने वाली आत्मा ही जैसे सहन कर सकती है, तो वैसे ही स्वीकार करना भी अपने में एक बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि इस जीवन के अंदर कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के व्यक्ति, अलग अलग स्वभाव संस्कार को लेकर के हमारे सामने आते हैं, जो कि हमने कभी भी अपने स्वप्न मात्र भी हमने कभी सोचा भी नहीं हुआ होगा। और परमात्मा ज्ञान हमें यही सिखाता है कि हर एक आत्मा है, और हर एक आत्मा का अपना अपना स्वभाव और अपना अपना संस्कार होते हैं, अपना अपना स्वभाव और अपने अपने संस्कार होते हैं। व्यक्ति को देखते ही, उसके व्यवहार को देखते ही कई बार हम ये जस्टिफाई कर लेते हैं, या कई बार हम ये स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं कि ये व्यक्ति तो है ही खराब, इसके साथ कोई भी प्रकार का रिलेशन रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन परमात्मा ने हमें ये शिक्षा दिया, ये ज्ञान दिया कि वास्तव में व्यक्ति गलत नहीं है, लेकिन उस आत्मा के अंदर वो जो स्वभाव है, वो जो संस्कार है, आज हमें कोई ना कोई जगह पर वो हमें दुख देता है। तो ऐसे में मुझे कौन सी शक्ति को अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा, कौन सी शक्ति चाहिए। ऑलरेडी इस आत्मा के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियाँ मौजूद हैं, जैसे सहन करने की शक्ति। लेकिन हमने कहा कि जिस समय के अनुसार हम चल रहे हैं, इस सहन शक्ति की मात्रा को हमें और भी तेज रफ्तार से अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा। तो वैसे ही वर्तमान समय, समय को देखते हुए हमें अपने अंदर स्वीकार करने की शक्ति को भी बढ़ाना पड़ेगा, स्वीकार करने की शक्ति को भी हमें जमाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सागर है, सागर के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है, समाने की शक्ति। सागर ये नहीं कहता है कि वो नदी का पानी गंदा है, ये मेरे अंदर नहीं समाना चाहिए, वो नदी का पानी बहुत खारा है, वो मेरे तक आना नहीं चाहिए, उस पानी को मैं नहीं समा सकता, इस नदी के पानी में बहुत सारा कचरा है, ये मेरे पास नहीं आना चाहिए। लेकिन सागर की विशेषता को देखते हुए सागर क्या करता है, जो भी नदी के पानी हो, नाले के भी पानी हो, वो सभी पानियों को अपने अंदर वो समा लेता है। उसके सहित वो क्या करता है, जो भी कचरा है, अपनी लहर की शक्ति के आधार से वो सारे कचरों को वो कहीं दूर तक वो फेंक देता है। तो वैसे ही जब हम मनुष्य आत्माएं हैं,
इस जीवन में जब हम जी रहे हैं, अनेक लोगों के संबंध संपर्क में जब हम आ रहे हैं, अलग अलग वैरायटी वैरायटी प्रकार के जब हमें स्वभाव संस्कार वाले व्यक्ति हमें सामने मिल रहे हैं, तो हमें सबसे पहली शक्ति है स्वीकार करने की शक्ति को अंदर धारण करना पड़ेगा। और इस स्वीकार करने की शक्ति को धारण करने के लिए उससे पहले भी मुझे अपने अंदर मैच्योरिटी अर्थात गंभीरता के गुण को भी मुझे अपने अंदर भरना पड़ेगा, क्योंकि गंभीरता के गुण भी कहें या गंभीरता की शक्ति के कारण जो भी बोल हम बोलने के लिए जा रहे होंगे या जो भी सोच हम दूसरों के प्रति सोच रहे होंगे, तो तोल मोल करके हम बोलेंगे भी और सोचेंगे भी। क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ पर गंभीरता का गुण नहीं है, वहाँ सामने वाले व्यक्ति भी कई बार उसका फ़ायदा उठाना भी शुरू करते हैं। और इसी आधार से इस गंभीरता को गुण को धारण करने से क्या हो जाता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, वो हमें सही रीति से समझ में आ जाता है और सामने वाले व्यक्ति को हम बहुत इजीली स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं है कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, हम उसको हाजी बोल करके चुप रह जाए, चुप बैठे, हम कुछ भी ना बोले, बात वह नहीं है। स्वीकार करना किस चीज़ को, व्यक्ति के स्वभाव और संस्कारों को देख करके हमें पता चला कि हाँ, ये व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है। बार बार इनको समझाने के बावजूद भी इनको समझ नहीं आ पा रहा है, इनके संस्कारों में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, तो उस मामले में उस स्थान पर मुझे कुछ समय अपने आप को शांत करके उस व्यक्ति के अर्थात उस आत्मा के स्वभाव और संस्कार को मुझे अपने अंदर समा लेना है। जैसे माँ कभी भी अपने बच्चे की गलती को नहीं देखती है। बच्चा अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, माँ शिक्षा देती है, लेकिन कभी भी वो अपने चित्त पर वो धारण करके नहीं रहती है कि मेरे बच्चे ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों दिखा रहे हैं। या बच्चा अगर गलती भी करता है तो माँ अपने बच्चे की गलती को कभी भी बाहर वो नहीं सुनाती है। तो वैसे ही सागर के समान हमें अपने हृदय को भी विशाल बना करके इस समाज के अंदर हमें चलना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जब बातें आती हैं, हम ये भी कहते हैं कि हमने उनकी पूरी बातों को आज दिन तक हम सहन करते ही जा रहे हैं, और एक तरफ से हमने सहन कर भी लिया, लेकिन दूसरी तरफ से हम उनकी बातों को जब हम समा नहीं पाते हैं, तो हम फिर वो बात को दो व्यक्ति के सामने, फिर चार के सामने, फिर दस के सामने हम बोलना शुरू करते हैं। और उसके वजह से उसका परिणाम हमें क्या मिलता है कि बात होगी इतनी छोटी सी, लेकिन वो बात का बतंगड़ बन जाने में और देरी नहीं लगती है। इसीलिए जो भी बात हम सुनते हैं, जो बातें हमें लगता है कि ये ज़रूरी है, उसको हम अपने जीवन में धारण कर लें, और जो बातें हमें लगता है कि ये बातें उपयुक्त नहीं है मेरे लिए, उन बातों को हम किनारा कर लें या साइड कर लें। क्योंकि बातों को जब हम इन कानों से सुनते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि एक कान से सुनकर के दूसरे कान से हम निकाल लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन हम अपने अंदर एक अटेंशन ला सकते हैं, अपने आप को अलर्ट करवा करके रख सकते हैं कि जो बातें मेरे लिए ज़रूरी है, उस बातों को मैं अपने अंदर समा लूँ, जान लूँ, सीख लूँ, और जो बातें मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, उन बातों को मैं एक तरफ एक किनारा करके रख लूँ। अर्थात जितनी मात्रा में सहन शक्ति को मुझे अपने अंदर बढ़ाना है, उतनी मात्रा में मुझे अपने अंदर ये स्वीकार करने की शक्ति कहें या समाने की शक्ति कहें, उसको भी उतनी मात्रा में अपने अंदर हम बढ़ाने की कोशिश करें। और इसी समाने की शक्ति के आधार से हमें क्या प्राप्ति मिलेगी? सबसे बड़ी प्राप्ति है, हमारे जीवन में वो संतुष्टता आ जाएगी।
और संतुष्टता से क्या आएगी हमारे जीवन में? संतुष्टता से हमारे जीवन में धीरे धीरे खुशी की लहर आना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी शक्ति है संतुष्टता की शक्ति, जो कि इस स्वीकार करने में ही आ सकती है। और इसके लिए ही नवरात्रि के दिन है ना माँ संतोषी जी की भी बहुत पूजा आराधना होती है, जो कि माँ संतोषी जी के विशेष हाथों में आप देखिएगा चावल का एक बर्तन दिखाया जाता है जिसमें चावल भरे हुए रहते हैं, एक एक दाना चावल का रहता है। इसका प्रतीक ये हमें कहता है कि ये एक एक दाना, ये एक एक आत्माओं की निशानी है, जो कि अलग अलग स्वभाव और संस्कारों को लेकर के चल रहे हैं। कई बार हमारे खुद के ही स्वभाव और संस्कार दूसरों को दुख देने में भी निमित्त बन जाता है। ऐसे अलग अलग आत्माओं के भी अलग अलग स्वभाव और संस्कार हैं, लेकिन माँ का कर्तव्य क्या होता है? जैसे सारी बातों को अपने अंदर समा लेना, सारी बातों को अपने अंदर समा लेना, तो वैसे ही आज हमें भी इस स्वीकार करने की शक्ति को चावल के समान अलग अलग आत्माओं के, हर आत्माओं के स्वभाव और संस्कारों को अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर उन सब को स्वीकार कर लेने में ही हमारी भलाई है। तभी हमारे जीवन में संतुष्टता की हरियाली छा जाएगी। और इसी की प्रतीक